देख रहे सारे दर्शकों प्यार अपनी साथी रही काल हूँ तकली वड्डी खबर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले च सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम मोदी से निशाना बिन्नते हुए कहा कि मोदी तानाशाह बनना चाहते सन पर सुप्रीम कोर्ट ने इस ते रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से लंबी उम्र लई देश विच किए जा रहे मामी तुंजे यंगा बारे चन्नी ने कहा कि वह भी प्रधानमंत्री की लंबी उम्र लई अपने घर विच 11 पंडितों के नाल मामी तुंजे का जाप करवाउणगे। उन्होंने कहा कि जेकर पीएम मोदी नूं किसे तों खतरा है तां मैं खुद उन्हां लई बगला मुखी दा मंत्र बोल दिंदा हां ताजो उन्हां दी सेहत ठीक रहे अते दुश्मन अगे ना आउण। जेकर प्रधानमंत्री लई खतरा इन्ना वध गया है कि उन्हां लई महिमा तुजे दा पाठ जरूरी है तां मैं कल नूं अपने घर विच खुद पाठ करवाऊंगा। इन्ना ही नहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खुद प्रधानमंत्री दी लंबी उम्र लई बगला मुखी मंत्र दा जाप भी कीता। पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हां ने कांग्रेस पार्टी तों इस्तीफा दे के अपनी नवीं पार्टी बना लई है उन्हां दी पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस नूं चोण कमिशन वल्लों चोण निशान लई ऐलान दिता गया है ते विधानसभा चोणां च सारे उम्मीदवार इसे निशान हेठ चोण लड़नगे। दस दे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दा चोण निशान हाकी अते गेंद होवेगा अते ओह चक दे स्लोगन नाल चोण मैदान च उतरनगे। इह जानकारी उन्हां ने खुद ट्वीट कर जनता कीती है। इस दे नाल इह भी देखणा लाजमी होवेगा कि ओह पंजाब च अपने चोण निशान नाल किन्ने क गोल करदे हन। अकाली दल दे सीनियर आगू अते साबका मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया नूं हाईकोर्ट वल्लों अगाऊ जमानत देण ते मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। मोगा विच मालविका सूद नूं कांग्रेस विच शामिल करन पहुंचे मुख्यमंत्री चन्नी तों जदों पत्रकारां ने बिक्रम सिंह मजीठिया दी जमानत संबंधी सवाल पुछा तां मुख्यमंत्री ने कहा कि बिक्रम सिंह मजीठिया नूं अजे सिर्फ जमानत ही मिली है ते जमानत मिलण नाल केस नहीं खत्म हो जांदा। बुधवार नूं मजीठिया नूं पेश होना पवेगा ते केस दौरान सारा कुछ सामने आ जाएगा। दसनयोग है कि सोमवार नूं मजीठिया केस ते सुनवाई करदे हुए हाईकोर्ट ने ना सिर्फ उन्हां नूं अगाऊ जमानत दित्ती सगों मजीठिया दी गिरफ्तारी ते वी रोक लगा दित्ती। मजीठिया दी जमानत लई अकाली दल वालों यत्न किए जा रहे हैं। इस तो इलावा पंजाब पुलिस वालों बिक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इस बिक्रम सिंह मजीठिया के अकाली दल लिए वड्डी राहत वजो देखा जा रहा है। इस तो पहला 5 जनवरी हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस भेजा जिस विच उन्होंने मजीठिया की पटीशन से नोटिस भेज के 8 जनवरी तक जवाब देने लिए कहा गया। जिस तो बाद पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में अपना जवाब सौंप दिया। इस दौरान अहम गल है कि पंजाब में विधानसभा चोणों लिए चोण जाब्ता लागू हो गया है। अज तक पंजाब सरकार ने नशे नूं चोण मुद्दा बनाउण लई इस मामले दी जोरदार ढंग नाल पैरवी कर रही सी। NDPX एक्ट मामले विच फसे अकाली दल दे सीनियर अकाली आगू बिक्रम सिंह मजीठिया नूं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तों वड्डी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मजीठिया दी अर्जी ते जमानत दे दित्ती है। इस नाल ही अदालत ने मजीठिया नूं मामले दी जांच विच शामिल होण दे हुक्म दित्ते हन। मजीठिया नूं जमानत मिलण दे हुक्मां नाल पंजाब सरकार नूं वड्डा झटका लग्गिया है। जिक्रयोग है कि बिक्रम सिंह मजीठिया खिलाफ 20 दिसंबर नूं मोहाली विच NDPX एक्ट तहत FIR दर्ज कीती गई सी। इस मामले विच मजीठिया ने पहला मोहाली की हेठली अदालत तों जमानत की मांग की सी जिस नूं रद्द कर दिता गया सी। उपरंत मजीठिया ने हुण हाईकोर्ट विच अगाऊ जमानत लई अर्जी दित्ती सी जिस ते हाईकोर्ट ने उस नूं अंतरिम जमानत देंदे हुए जांच च शामिल होण दे हुक्म दित्ते हन। अज ड्रग मामले च मजीठिया की जमानत अर्जी ते सुनवाई दौरान पंजाब सरकार वल्लों चिंदर ब्रह्म हाजिर होए जबकि मजीठिया वल्लों सीनियर वकील मुकुल रोहतागी शामिल होए। दोवां धिरां विच अगाऊ जमानत नूं लै के तिखी बहस होई। अकाली दल वल्लों बिक्रम सिंह मजीठिया विरुद्ध केसां नूं सियासत तों प्रेरित दस्या। उपरंत हाईकोर्ट वल्लों मामले की सुनवाई करदिआं बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत अर्जी मंजूर की गई। अदालत ने मजीठिया नूं बुधवार तक गिरफ्तारी तों राहत दित्ती है ते नाल ही मामले की जांच विच शामिल होण दे हुक्म भी किए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी से पा दी है। हुण मजीठिया बुधवार को पंजाब पुलिस की SIT अगे पेश होंगे। इस दे 5 राज्यों में विधानसभा चोणों बारे कांग्रेस ने वड्डा फैसला किया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि 5 सूबे दियाँ चोणां मुख्यमंत्री दा चेहरा ऐलाने बिना ही लड़ियां जाणगियां। पार्टी सूत्रां मुताबिक मुख्यमंत्री दे अहुदे बारे फैसला चोण नतीजियां तों बाद लिया जाएगा। चोणां मगरों कांग्रेस विधायक दल हाईकमान नाल विचार चर्चा मगरों नवें आगू दा फैसला करेगा। मन्नया जा रहा है कि कांग्रेस ने यह फैसला पार्टी अंदरले विवाद नूं ठल पाउण लई लिया है। पंजाब ते उत्तराखंड विच मुख्यमंत्री दे चेहरे नूं लै के काफी खिचोतान चल रही है। पार्टी हाईकमान चोणां दे विचार होर विवाद खड़ा करन तों डर रही है। इस लई मुख्यमंत्री दा फैसला चोणां तों बाद ही होवेगा। उधर सूत्रां अनुसार साबका मुख्यमंत्री हरीश रावत पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के हमायती चाहते हैं कि पार्टी उन्होंने मुख्यमंत्री के अहुदे का उम्मीदवार ऐलाने पर पार्टी का कहना है कि वह चोणों के मद्देनज़र होरना धड़ियां नूं नाराज करन दा जोखम नहीं लेना चाहती। पंजाब च मुड़ सत्ता च आउण ते उत्तर प्रदेश उत्तराखंड गोवा ते मणिपुर च चंगी कारगुजारी दिखाउण लई कांग्रेस सामने बहुत सारियां चुनौतियां हन। कांग्रेस के जनरल सकत्तर प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश च पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा हन पर पार्टी वल्लों इत्थे भी किसी नूं मुख्यमंत्री के चेहरे वजों पेश किए जाने की
संभावना बहुत घट है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जीत की संभावना बाकी सूबे मुकाबले बहुत घट है। पीएम मोदी की सुरक्षा मामले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिंदे सेवा मुक्त जज की प्रधानगी नवी जांच कमेटी बनाने का आदेश दिया है। सोमवार को पीएम मोदी की सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीजेआई एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हीमा कोहली की बैच इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुरक्षा खामे की जांच लई सुप्रीम कोर्ट के सेवा मुक्त जज की अगुवाई हेठ उच्च पद्धरी कमेटी का गठन करने का फैसला किया है। अदालत ने कहा है कि जल्द ही इस मामले में हुक्म जारी किया जाएगा। इस नाल ही अदालत ने केंद्र और पंजाब दोनों को अपने अपने पैनलों वालों जांच से रोक लाने लई कहा है। इस नाल ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की कार्रवाई के सवाल खड़े किए हैं। सुनवाई दौरान सीजेआई एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हीमा कोहली की बैच ने केंद्र सरकार को पूछा कि जेकर केंद्र पहला ही कारण नोटिस में सब कुछ स्वीकार कर रहा है तो अदालत में आने का की मतलब। अदालत ने कहा कि जो तुम नोटिस जारी किया साडे हुकम तो पहला का सी, उस तो बाद असी अपना ऑर्डर पास कर दिता सी। तुसी उन्हां नूं 24 घंटे के अंदर जवाब देने लई कह रहे हो, तुहाडे तो यह उम्मीद नहीं कीती जांदी। तुसी पूरे मन नाल आए हो, तुहाडीआं दलीलां दर्शाउंदीआं हन कि तुसी पहलां ही सब कुछ तय कर लिया है। तुसी इस अदालत विच क्यों आए हो? तुहाडा नोटिस अपने आप विच विरोधी है क्योंकि असी सारिआं नूं किसे भी तरह की कार्रवाई तो वरतिआ सी। एक पासे असी SSP नूं नोटिस भेज रहे हाँ ते इत्थे उन्हां नूं दोषी भी दस रहे हाँ। यह है कि जाण तों बाद ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਤੇ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਛੇਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਖਿਰ 'ਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ 250 ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਐਲਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ।